नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। पीएम मोदी ने दी सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई, कहा राज्य को बदलने के लिए रहते हैं सबसे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर सीएम धामी को जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। जन्म दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम धामी ने सपरिवार पूजन किया। वहीं जंगलों में अवैध कटान रोकने को स्पेशल टास्क फोर्स की जाएगी गठित, वन तस्करों पर लगेगी लगाम। उत्तराखंड सरकार राज्य के जंगलों में बढ़ते अवैध कटान पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष कार्य बल के गठन पर विचार कर रही है। वन तस्करों पर सख्त कार्रवाई के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार जंगलों की निगरानी के लिए सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत करने और ड्रोन समेत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। राजधानी में जुटेंगे 65 देशों के साहित्यकार, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे समारोह का उद्घाटन। राजधानी के थानों इलाकों में विकसित किए जा रहे हैं लेखक गांव में 23 से 27 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य एवं संस्कृति महोत्सव का आयोजन होगा। इस 5 दिवसीय समारोह में लगभग 65 देशों के साहित्यकार, लेखक और कलाकार भाग लेंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह का उद्घाटन करेंगे। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बैठक में महोत्सव की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। वहीं आज देहरादून और नैनीताल में हल्की बरसात, मौसम विभाग का कल के लिए येलो अलर्ट। 17 सितंबर से प्रदेश भर में मानसून का एक और दौर प्रारंभ होने की संभावना है। हाल ही में पिछले 3 दिनों अच्छी बरसात होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। मसूरी में रात में लोगों ने हल्के गर्म कपड़ों का सहारा लिया। आज पिथौरागढ़, दून और नैनीताल में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, उत्तराखंड के 7 शहरों को मिलेगा खेलों का विश्व स्तरीय स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तराखंड में अक्टूबर नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है। ये 7 शहर न सिर्फ राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेंगे बल्कि उनमें प्रतियोगिताओं के समापन के बाद भी खेलों के विश्व स्तरीय और बुनियादी सुविधाएं हमेशा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खासकर देहरादून और हल्द्वानी की पहचान खेल गाँव के रूप में भी कायम होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़।